Good morning, students. So yesterday we have started our lesson 17, being safe on the road, part 1. So today we will start with the part 2 of the lesson. So in our previous class I have explained to you about what is traffic. So traffic is actually in the road when the cycles, bus, cars move, it makes a traffic, okay. So also we have learned about the safety rules while that is traveling, walking in a road, okay. कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था जो हमें चलते वक्त अपनाना है, जैसे कि वी शुड वॉक इन अ फुटपाथ, वी शुड क्रॉस द रोड इन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और बहुत सारे पॉइंट्स थे जैसे हमें कभी रोड पे दौड़ना ही चाहिए जब हम जीटी रोड पे जा रहे हैं, बिजी रोड पे, तो वी हैव टू टेक द हैंडल्स व्हेन वी आर क्रॉसिंग द रोड. ऑल्सो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स जो रोड पे दिखते हैं उसको भी फॉलो करना है. For example, when the signal will show the green light for the pedestrian, then we have to walk on the footpath. So today we will start with the traffic safety rules while traveling by a bus. जब आप लोग बस से travel कर रहे हैं तो क्या safety rules आपको follow करना चाहिए? बेटा जैसे आप लोग रोज school आ रहे हैं बस से, तो आप लोगों को कुछ rules और regulation बताया गया होगा कि आपको कैसे बस में जाना है. सबसे पहली बात तो हमें लाइन लगाना है बस में चढ़ने के लिए, किसी को धक्का नहीं देना है, इज़न्ट इट. तो ये कुछ सेफ्टी कॉमन रूल्स है जो आप लोग भी जानते होंगे अच्छे से, तो आज हम लोग इस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल्स है, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. जब हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हम लोग को लाइन में स्ट्रेट खड़े होना है, किसी को धक्का नहीं देना है. तो जब बस आएगी फिर लाइन में सबको इसमें ही चढ़ना. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. सेकेंड पॉइंट है, वी मस्ट नॉट पुश एनीवन व्हाइल गेटिंग इनसाइड द बस. जब हम लोग बस में चढ़ रहे हैं तो हम लोग को किसी को भी धक्का नहीं देना है, ठीक है. अगर आप लोग धक्का देंगे तो जरूर कोई गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगा, इसलिए बस में चढ़ते वक्त आप लोग को किसी को भी धक्का देना नहीं. थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट बोर्ड अ मूविंग बस. देखिए ये बोर्ड आपके लिए नया वर्ड है. बोर्ड का मतलब होता है कि हम लोग को बस में चढ़ना, ठीक है. बोर्ड आपके यहाँ पे न्यू वर्ड है, तो बोर्ड का मीनिंग होता है बस में चढ़ना. तो जब आप लोग बस में चढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि बस चलता हुआ नहीं होना चाहिए. जब बस रुक जाएगी तब आप लोग को बस में चढ़ना. अगर आप लोग चलती बस में चढ़ेंगे तो आपको गिर जाएगी, चोट लग जाएगा. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि जब आप लोग बस में चढ़ रहे हैं तो आप लोग को मूविंग बस में नहीं चढ़ना है. नेक्स्ट इज, वी शुड नॉट लीन आउट द मूविंग बस. देखिए लीन आउट मतलब जैसे आप लोग बस में बैठते हैं सबको विंडो प्लेस अच्छा लगता है. विंडो प्लेस क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप लोग वहाँ से सब कुछ, पूरा रास्ता, बाजार सब देखते हुए हैं. तो लीन आउट का मतलब, देखिए मोस्टली हम लोग को हैबिट रहती है कि खिड़की में से पूरा सर बाहर निकाल कर देखना, मतलब पूरा बेंड होके देखते हैं, उसको कहते हैं लीन आउट. तो हम लोग को कभी भी बस में से चलते हुए बस में से सर अपना बाहर निकाल कर नहीं देखना चाहिए. लेकिन अगर हम सर निकाल के देखते हैं, अगर वहाँ पर कोई पिलर होगा, पोल होगा, तो उसमें टकरा जाएंगे, तो इट विल वी विल मेट विद अ सीवियर एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज, वी शुड नॉट गेट डाउन अ मूविंग बस. अगर बस चल रही है तो आप लोग को बस से उतरना भी नहीं चाहिए. जब बस एकदम खड़ी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तब आप लोग धीरे धीरे उतर जाइए. कभी भी हमें चलते हुए बस में ना चढ़ना है ना उतरना है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट वेट फॉर द बस टू स्टॉप. हम लोग को कभी भी बस का वेट करना चाहिए कि वो खड़ी हो जाए. इसलिए हम लोग इसके पहले भी पॉइंट पढ़े कि ना हमें बस में चलती हुई बस में चढ़ना है ना चलती हुई बस में उतरना है. हम लोग को वेट करना, इंतज़ार करना कि बस रुक जाए. तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें बस में चढ़ते हुए फॉलो करना है. एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग को. हम लोग को वी मस्ट स्टैंड इन क्यू एट द स्टॉप, लाइन में खड़े होना है. वी मस्ट नॉट पुश एनीवन व्हाइल गेटिंग इनसाइड द बस. बस में चढ़ते समय किसी को धक्का नहीं देना है. थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट बोर्ड अ मूविंग बस. हम लोग को चलते हुए बस में चढ़ना नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट
से हमें उतरना भी नहीं है और चढ़ना भी नहीं है. और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वी शुड वेट फॉर द बस टू स्टॉप. बस को खड़े होने के लिए हमें वेट करना है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा. ओके तो अभी आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जैसे कि आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं. फर्स्ट है, हाउ शुड वी स्टैंड एट द बस स्टॉप. ये ओरल क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि हमें बस स्टॉप पे कैसे स्टैंड करना है. ऑलरेडी मैंने बताया कि आप लोग को लाइन बना के स्टॉप करना है वहाँ पे, और लाइन बनाएंगे जब बस आएगी तो चढ़ जाना है. नेक्स्ट, व्हेन शुड वी बोर्ड द बस. बस में कब चढ़ना है, जब बस रुक जाएगी. When the bus will stop. So I hope so that you might have understood this chapter clearly. And if you have any doubt, you will call me. I will send you the exercise pictures, exercise clips, and you will complete your book. Thank you.